उधर बीके यू ग्राहां दे रवैये दे खिलाफ सड़कां ते माल अफसर उतर आए ने। रेवेन्यू अफसर एसोसिएशन आज तो आण मिथे समय दी हड़ताल ते चला गया। तहसीलदार नायब तहसीलदार कानून को ते पटवारियां वल्लों कामकाज नूं ठप कर दिता गया। बीके यू ग्राहां दे रवैये दे खिलाफ सड़कां ते उतर के आए ने माल अफसर। रेवेन्यू अफसर एसोसीएशन अज तो हुण अण मिथे समय की हड़ताल ते उन्होंने जाण दा फैसला किया, जिन्हां विच तहसीलदार नायब तहसीलदार कानून को ते पटवारियां वल्लों कामकाज नूं ठप रखण दा फैसला किया गया। उग्राहां यूनियन ते मुआवजे की झूठी रिपोर्टां बनाउण दा इल्जाम है। लंबी विच किसानां ने नायब तहसीलदार ते पटवारी नूं बंदी बनाया सी। एसोसीएशन की मंग है कि पंजाब सरकार किसान जथेबंदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सो मामला बेहद गरमाया होया जिसनूं लैके हुण अण मिथे समय की हड़ताल ते जाण दा फैसला जिहड़ा है उह माल अफसरां ने किया है। पत्रस तो जानकारी लेने हैं। पत्रस मामला बेहद गरमाया होया और जिस नाल हुण बीके उग्राहां दे रवैये दे खिलाफ सड़कां ते उतर आए ने माल अफसर, की कुछ इस वेले दी तस्वीर है? बिल्कुल दादा, जिस तरीके नाल रेवेन्यू पंजाब जिहड़े ऑफिशियल्स हैगे ने, जिहड़ी उन्हां दी एसोसीएशन ने अनाउंस किया कि पूरे पंजाब दे विच अज यानी कि 29 मार्च तो हुण मिथे समय की हड़ताल करनगे और उसका असर जिहड़ा हुण पूरे पंजाब दे विच नज़र आ रहा। जलंधर दे डीसी कंपलैक्स दे विच इस वक्त खड़ा और मेरे पिछे तहसीलदार का दफ्तर है और तहसीलदार के दरवाजे के उत्ते बकायदा उन्होंने वालों लिख के लगा दिता गया कि जिहड़ा आम लोगों नूं असीं सूचित करदे हां कि जिहड़ा लंबी दे विच जो घटना हुई है उस तों बाद जिहड़े भी साडे माल अफसर हैगे ने तहसीलदार नायब तहसीलदार कानूगो पटवारी अज 29 मार्च तो अणमिथे समय से हड़ताल विखे हड़ताल से चले गए और लंबी विखे इकट्ठे हो रहे हैं। और दूसरे पास जिस तरीके इन जे अफसर साहबान ने इन्हों की शिकायत के उत्ते पंजाब पुलिस के वालों जोड़ा परचा दर्ज किया गया किसानों के उत्ते, जिन्हों के 9 किसानों के उत्ते बाय नेम परचा है और कुछ अणपछाते किसान जोड़े है शामिल किए गए हैं। तो किसानों के वालों इसका भी विरोध किया जा रहा है। तो माहौल जोड़ा है वह गरमा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि किसान आख रहे हैं कि पिछले दिनों के दौरान जी गुलाबी सुंडी तो प्रभावित नरमे की जी मुआवजे की वंड हुई है वह काणी वंड हुई है, वह कई पिंड शामिल नहीं किया गया मुक्तसर जिले के। तो दूसरे पासे जिहड़े अफसर ने वो आख रहे हैं कि साढ़े उत्ते दबाव पाया जा रहा है गलत रिपोर्टा तैयार करने लैके, तो उसनों लैके जिहड़ा तनाव वाला माहौल बनया हुआ और हुण जिहड़े पंजाब दे रेवेन्यू दफ्तर है अब पूरी तरह खाली पे थोड़ा विखा रहे हैं जलंधर के तहसीलदार दफ्तर की और इस तरीके का माहौल जो पंजाब के सारे जोड़े रेवेन्यू ऑफिस है उन्होंने वेखन मिल रहा। और हूँ दूसरे पास जो असं कुछ अफसर के नाल गलबात की थी उन्होंने जो पूछा कि हूँ तो परचा भी दर्ज हो गया हूँ हड़ताल कदों खत्म करोगे, तो यही आख्या जा रहा कि साड़ी पूरे पंजाब की एसोसीएशन की मीटिंग होगी उस विच असी दसांगे फाइनल करांगे कि यह हड़ताल किन्ने दिन चलनी है। कहने का भाव कि यह जी अणमिथे समय की हड़ताल का ऐलान इन माल महकमे के अफसर के वालों किया गया, ये हले उन्होंने वालों इन बिन वो अमल दे विच लिया जा रहा है कि रस्ता निकलता है जां सरकार किवें दोवां धिरां नूं बिठा के शांत करती है, ये वेखना हुण बड़ा खास रहण वाला क्योंकि एक पासे किसान ने तो दूसरे पासे माल महकमे दे अफसर ने जिन्हां दे आपस में सीधा वाह वास्ता रहिंदा और जेकर दोवें धिरां इस तरीके नाल टकराव दे माहौल विच रहणगियां तां सरकार नूं वड्डी परेशानी वड्डी चुनौती का सामना करना पै सकदा है। जी बिल्कुल, सरकार नूं वड्डी चुनौती का सामना करना पै सकदा है जे विचकार समां रहिंदियां इस मसले का हल निकल जाए और जो भी इस मसले की जड़ है उसनूं दूर किया जाए, ये सरकार की जिहड़ी है प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रस फिलहाल दी सारी जानकारी लिए। फिलहाल माहौल गरमाया होया है, जिहड़े माल अफसर ने रेवेन्यू अफसर ने वो इस वेले हड़ताल से चले गए हैं जिस कामकाज से भी असर पै रहा है।